Hello friend, assalamu alaikum. My name is Abdul Malik. Hope you all will be fine. Today we will continue our previous lecture. In previous lecture we will study about discovery of electrons and plum pudding and so many things. So today our lecture is going to be start from discovery of proton. हाँ जी, जैसे हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि एटम के अंदर कुछ और भी है जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब देखें, अब हमारे पास एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन, 1886 में उसने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास क्या कैथोड रेज के अलावा कुछ और भी डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट था। अब दीज रेज वर ट्रेवलिंग इन अपोजिट, मतलब जो कैथोड रेज के अलावा जो बाकी रेज थी वो उनसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। मतलब अगर कैथोड रेज का जो मूवमेंट थी वो ईस्ट की तरफ थी तो जो दूसरी थी वो वेस्ट की तरफ मूव कर रही थी इस तरह। अब उसने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया बट उसके अंदर उसने जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वो कौन सी थी, परफोरेटेड, उसके अंदर परफोरेटेड कैथोड यूज किया। जैसे ये देखें, ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, परफोरेटेड कैथोड। हाँ जी, उसने जब इसको क्या किया, अगेन ही फाउंड दैट दीज रेज पास थ्रू होल्स प्रेजेंट इन द कैथोड प्रोड्यूस अ ग्लो ऑन द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। अब जैसे हमारे पास कौन सी थी, दूसरी रेस थी, सेम इसी तरह जो ये थी ये भी ग्लो प्रोड्यूस करती थी जब ये डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से टकराती थी, इसलिए इसको किस चीज का नाम दे दिया, कैनाल रेस। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखें, इसके अंदर भी उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना वो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास प्रेशर, उसने जो 10^-4 रखा था प्रेशर और उसके बाद हाई वोल्टेज बैटरी, इसके अंदर भी सेम कंडीशन वही है, बाकी सारी की सारी कंडीशंस वही हैं, लेकिन इसके अंदर उसी ने जो परफोरेटेड कैथोड था बस वो चेंज किया, अदरवाइज सेम वही डायग्राम थी। हाँ जी, ये हमारे पास क्या है, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने स्टडी किया। स्टडी मतलब जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, हमारे एक्सपेरिमेंट से जो हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट प्रोड्यूस हुए उसके अंदर जो रेस थी, रेस की करेक्टरिस्टिक्स। अब These rays travel in straight line in direction opposite to the cathode rays. वही मैंने अभी बताया कि जिस साइड पे कैथोड रेज मूव करती थी तो कैनाल रेज उसके ऑपोजिट साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देती थी, ठीक है। उसके बाद देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, मतलब उनके ऊपर जो साइन था वो कौन सा था, पॉजिटिव। उसके बाद जो कैनाल रेज हैं वो डिपेंड करते हैं गैस के नेचर पे, हमारे पास जो कैथोड रेज थी वो नहीं डिपेंड करते थी बट जो कैनाल रेज हैं वो गैस के नेचर पे भी डिपेंड करती हैं, जो हम डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। हाँ जी, फिर वो कहता है दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, हाँ जी वो हमारे पास जो कैथोड रेज थी वो कैथोड से प्रोड्यूस होती थी बट वो कहता है ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होते बल्कि इसके अंदर जो हमारे पास क्या होते हैं, ये देखें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कोलाइड करते हैं किसके साथ, गैस के साथ, जब गैस के साथ इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं तब हमारे पास ये देखें ये M प्लस ये हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, साथ में इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुआ बट हमारे पास जो प्रोटॉन है कैथोड कैनाल रेस वो इस तरह प्रोड्यूस हुए, ठीक है, एनोड से प्रोड्यूस नहीं होते। उसके बाद अब जो मास था पार्टिकल का, ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, मतलब जो इसका प्रोटॉन था जो पार्टिकल से वो प्रोटॉन के इक्वल थे, उसका जो फाउंड किया या पार्टिकल्स का जो मास था वो प्रोटॉन के इक्वल था। अब जो मास था किसका, प्रोटॉन का, वो 1840 टाइम्स ज्यादा था किससे, इलेक्ट्रॉन से, जो हमने प्रीवियस पढ़ा था उसके अंदर उस एक्सपेरिमेंट्स को जब कंपेयर किया
तो मास ऑफ प्रोटॉन 1840 टाइम्स ज्यादा था इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद कहते हैं दस दीज रेज आर मेड अप ऑफ, इसके अंदर फिर वही बताता है कि मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और उसके बाद ये गैस के नेचर पे डिपेंड करते हैं। अगर हमारे पास क्या गैस डिफरेंट गैसेस डिफरेंट पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस करती हैं एंड सो मैनी थिंग्स। हाँ जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दोनों क्या कर लिए, डिस्कवर कर लिए, बट एक और चीज थी जो क्या करती थी, जब उन्होंने एटम का एटॉमिक मास मतलब उसका मास फाइंड आउट करना स्टार्ट किया तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा वेट था या उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज थी तो उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने डिस्कवर करना स्टार्ट किया। अब देखें, रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मैसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली। सिंपल यही कहता है कि हमारे पास जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे हम मैयर नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बल्कि हमारे पास कुछ और भी है उसके अलावा, किसके अंदर, एलिमेंट के अंदर। ही प्रिडिक्टेड इन 1920 कि हमारे पास क्या है, उसके अंदर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं जिनका जो मास होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। सेम इसी तरह उसने 1932 में चैडविक डिस्कवर, फिर जब उसने 1920 में रदरफोर्ड ने तो यही बताया कि मतलब हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मास होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। फिर 1932 में चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। अब उसने डिस्कवर कैसे किया, उसने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन ब्रिलियम और फिर उसको क्या किया, उसने जब उसको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या हुआ, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। ये देखें, ये ब्रिलियम और साथ में ये हीलियम आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास कार्बन और साथ में ये देखें ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इनकी फर्दर प्रॉपर्टीज थी, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज थी, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज थी। ये देखें, न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल, मतलब उनके ऊपर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव साइन कुछ भी नहीं था, मतलब न्यूट्रल थे। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, उसके बाद मास ऑफ दिस पार्टिकल वर नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी, ये हमारे पास क्या है, ये आपने क्या करना है, खुद से इसको सॉल्व करना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसके आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। आई होप You all like my videos. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उससे ये होगा कि अगली जैसी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका जो हमने जो पढ़ाना स्टार्ट किया, लेक्चर देना स्टार्ट किया, आपको उसका एडवांटेज भी होगा। अल्लाह हाफिज़।